हेलो स्टूडेंट्स, साइंस टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम पुनः आपके समक्ष जीव विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका को लेकर आए हैं। कोशिका जिसे हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं और जिसका वैज्ञानिक भाषा में जिसे हम साइटो कहते हैं, इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोशिका की परिभाषा को देखते हैं। तो कोशिका की परिभाषा होती है कि जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में साइटो कहते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वह है कि कोशिका की खोज कब की गई। तो कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। यानी कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहेंगे? तो रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान यानी कोशिका का खोज कब हुआ? तो 1665 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका थी, इसलिए ठीक 9 वर्षों के बाद 1674 ईस्वी में तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कब की? 1674 ईस्वी में। फिर इसे हम एक बार दोहरा देते हैं, आप लोग फिर समझेंगे। सबसे पहले तो कोशिका की परिभाषा क्या है, यानी कोशिका किसे कहते हैं? तो जीवधारियों के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल और वैज्ञानिक भाषा में उसे साइटो कहते हैं, इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, जो हम लिख भी दिए हैं। इसके साथ साथ सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, और इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका थी। ठीक इनके 9 वर्षों के बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, जो हम यहां लिख दिए हैं। खोज 1665 में जो खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक थे, और जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया, दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। एक थे, अगर पूरा नाम देखा जाए तो एक थे एमजे स्लाइडेन, जो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, और दूसरे थे थियोडोर स्वान। इनका पूरा नाम था थियोडोर स्वान, ये जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों लोगों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोई भी जीव हो उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। आगे इन्होंने बताया कि कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर के कार्य करती हैं। जैसे में सबसे पहले कोई भी जीव हो उनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। फिर सभी ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम ऑर्गन कहते हैं। फिर अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और फिर अंग तंत्र आपस में मिलकर के जीव शरीर का निर्माण करते हैं। यह किसी जीव के शरीर के निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो हम क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। हमने कोशिका सिद्धांत में पढ़ लिया, और इसमें जो प्रतियोगिता में जो प्रश्न पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर है एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। इन्होंने ही बताया था कि कोशिका की उत्पत्ति के प्रक्रिया में केंद्रक अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब इसके आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, फिर हम कोशिका के कोशिकांगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में देखा, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, कौन सी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं, मानव में कौन सी कोशिका छोटी होती है, मानव में कौन सी कोशिका बड़ी होती है, या कौन सी कोशिका लंबी होती है, ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और ओवरऑल पूरे संसार में पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आगे इसके है कि यदि मानव में पूछा जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य में पुरुष के शुक्राणु की, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। दूसरा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है मादा के अंडाणु, यानी जिसे हम ओभम कहते हैं, यानी मादा के अंडाणु की कोशिका मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है। जब मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका की बात हो, तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं की होती है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। फिर इसे हम एक बार देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद है मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो वही बताए पुरुष के शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, उसकी कोशिका है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अब इसका अगला भाग हम आपको अगले वीडियो में देंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।